ये कैथीड्रल जो आप सामने देख रहे हैं, इसका नाम है सेंट पीटर्स बेसिलिका। इसकी स्टोरी पर हम बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ऊपर से आएंगे। भाई ये कैथीड्रल जो है ये मेरी यूनिवर्सिटी से कुछ ही फासले पर है, एंड आई पास बाय इट एवरी सिंगल डे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक्सप्लोर किया जाए। तो भाई अभी हम आए बेसिलिका, और मैं पहले यहाँ पे आया हूँ, पर इस बार जो है हम अंदर जाएंगे और अंदर के नज़ारे करेंगे इस बार, क्योंकि पहले मैंने अंदर से नहीं देखा हुआ था। पहले मैं यहाँ हूँ, मैंने बाहर से चेक किया और मैं अंदर नहीं गया, तो इस बार अंदर से चेक करेंगे। तो भाई यहाँ के बारे में ये फेमस है कि ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने तामीर करवाया था, एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेज इन यूरोप। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेनेसांस एरा, एंड इट्स बीन सेड दैट इट्स डिजाइन वॉज बिल्ट बाय प्रामेंते, माइकलएंजेलो, मोडर्नो एंड जियान लोरेंजो, जो के काफी फेमस आर्किटेक्चर गुजरे हैं रेनेसांस एरा के। यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे इनके जो पहले पोप या बिशप थे सेंट पीटर, जिनके नाम पर ये चर्च है, वो यहाँ पर दफन है, जो कि हजरत ईसा के एक अपोस्टल थे। ये पिछली साइड पे एंट्रेंस है, यहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ, यहाँ से इनका गोल्डन क्लास नज़र आता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये स्कल्पचर जो आप सामने देख रहे हैं, इट वॉज मेड बाई माइकल एंजेलो इन द रेनेसांस पीरियड, एंड इट्स स्टिल प्रिजर्व टू टिल दिस डे, बट इट वॉज अटैक्ड बाई अ मॉब, सो नाउ इट्स प्रोटेक्टेड विद अ वॉल ऑफ ग्लास। It was quite surreal and magical for me. मैंने आज से पहले ऐसी कभी चीज़ experience नहीं की, and on top of that, it was hard to believe that it was all carved by hand. So that was my experience of Basilica Church. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए stay connected, stay blessed, उमरो यार out.